तन तन गुरु नानक पातशाह जी उन्हां तो सदके जांदे आ अदब नाल कहिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक जी ने धरती दे उत्ते वसदे जीवन का किन्ना क उधार किया, किन्ना क परोपकार किया। आपां जिंदगी ला लईए शैन, असी सारा कुछ समझन दे नेड़े तेड़े भी नहीं जाते। आपां ते उन्हां दी जिंदगी दी विथिया नूं सुन के इशारे मात्र गल्लां कर रहे हाँ, अपनी समझ में थोड़ा थोड़ा गुरदेव जी की कृपा नाल भागां वाले वादा करन दा जतन कर रहे हाँ। गुरदेव जी का गया दे स्थान ते जाना भी लिखिया है। गया दा स्थान हिंदू मत दे विच अपनी किस्म का एक महत्व रखता है। जिवें हरिद्वार की धरती है, उज्जैन की धरती है, बनारस की धरती है, इस तरह गया की धरती भी है, जिथे मनुख मुक्ति की पाल स्वर्ग की तलाश करन दी दौड़ विच जांदे ने। भारत देश दे विच इस तरह दीयां बहुत सारियां वक् वक् थावां वक् वक् तरह दीयां मनौतां नाल जुड़ियां हुईयां सानू हिंदू भाईचारे दे अंदर प्रसिद्ध मिलदियां ने। जिथे इस मत दे प्रचारक पंडित पुरोहित पांडे ये सारे बैठे उत्थे वख वख तरह दे कर्म कांड लोकां को करवाउंदे ने ते लोकां नूं एक कूड़ा जिहा त्रवास देंदे ने कि इत्थे आया तुहानूं ऐ प्राप्त होएगा। गया दी धरती ओ धरती है जिथे पिंड भरे जांदे हन, पिंड भरे जांदे हन, पिंड पिन्ने नूं कहिंदे ने। नौ प्रकार दे इत्थे पिन्ने जौं दे होर पदार्थां दे तैयार करके इत्थे अर्पण करन दी बात चलदी है। बाणी विच संकेतक शब्द मिलता गया पिंड परता, गया ते जाके जड़े अंधविश्वास नाल जुड़े हुए व्यक्ति सन जा हन वो जाके किरिया करते ने। हुण साढ़े गुरु नानक जी का सबदे गुरु नानक जी का जगत गुरु नानक जी का इस तरह भ्रमण करदे आ करदे आ इन्हां तीर्थां ते जाना जिन्हां नाल उन्हां दा कोई विश्वास नहीं जुड़िया होया, जिन्हां थावां तो उन्हां ने अपने लिए कुछ नहीं लेना, जिन्हां थावां ते उन्हां वास्ते कुछ भी नहीं है, उत्थे इसलिए जा रहे ने कि उत्थे जो जा के मुस्से जा रहे ने, ठगे जा रहे ने, गुमराह किए जा रहे ने, भरमां भुलेखियां दा शिकार बनाए जा रहे ने, उन्हां नूं उह प्रचलित जिहड़े वहम कर्म ने उन्हां दे विचों बाहर कढ़िया जाए। पर परोपकारी गुरु नानक जी की महत्ता महानता सदके जाइए बाहर नहीं जाइए। भले असीं अज संसार की धरती ते मनुखी जामे विच आ, कोई भारत देश विच वसदा है, कोई पंजाब दे पिंडां विच वसदा है, कोई पंजाब नूं छड के विदेशां दी धरती ते जा के वसदा है। साडे सामने जिंदगी दा मकसद केवल धन दी प्राप्ति, अपने निजी सुखां दी प्राप्ति। साडा अकीदा जिंदगी नूं केवल पदार्थां दे नाल संतुष्ट करना ही
बन गया, बना दिता गया। पंप कितने भी वस रहे हैं, असी सुखां दी तलाश विच, सुखां दी पाल विच असी अपने आप लाई रखते हैं। तन गुरु नानक पातशाह परपकारी गुरु नानक साहब जी सानू तार रहे ने, सानू ज्ञान दे रहे ने। आपां जदों ये गाथा सुन रहे हैं, निरंतर गुरदेव जी की जिंदगी की बात सुन रहे हैं, ये शायद भागां वालियां रूहां होणगियां जिहड़ियां सच्चे गुरु नानक जी नूं बड़े महत्वपूर्ण पक्ष तो अपने अंदर तसवर करके अपनी जिंदगी दे लई वो ज्ञान दा पन, ज्ञान दा मार्ग जिहड़ा गुरु जी बख्शदे ने उहनूं अपनाउण दे लई समर्पित हो जाना जोगमंदियां होणगियां। बहुते ते मेरे वर्गे ने जो गल्लां करनियां जानदे ने जां गल्लां सुन के बस वक्त नूं अगे लंघा के खामोश चुप हो के फिर बावरियां वाली दौड़, दुनियावी पदार्थां दे संग्रह करन वाली दौड़ विच पै जांदे ने। नंगया दी धरती ते मेरे गुरु नानक, सब दे गुरु नानक, मनुखता दे गुरु नानक इत्थे आए ने। कोई गुरदेव जी दा अकीदा नहीं इत्थे आना, इत्थे गुरदेव जी ने जाति तौर ते कुछ नहीं लैना। हाँ, उन्हां दा कर्म है ज्ञान नूं वंडना, ज्ञान लोकां तक पहुँचाना। इत्थे गुरदेव जी ने रब्बी ज्ञान दा वचन उच्चारण किया, लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर इकठे करती ले पाए। इत्थे पिंड भरे जाते सन, दीवे तारे जाते सन। गुरु नानक जी ना पिंड भरिया ना दीवा तारिया। गुरदेव जी इत्थे लोकां दे अंदर दीवा बालन लई आए ने। गुरदेव जी ने लोकां दे मन दे अंदर ज्ञान दा दीवा बालन दा परपकार कीता है। भले ओ जिथे ज्ञान दा दीवा बलदा है उतों अज्ञानता का अंधेरा उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, मुक जाता है। इत गुरदेव जी ने ज्ञान का दीवा बाणी च बड़े प्यारे प्यारे बचन मिलते ने। आप पढ़ते तो सुनते हाँ, बड़े खुशकिस्मत हाँ आप, जिन्हों गुरबाणी गुरु नाल अपन सुरतों की सांझ पा के जीवन का सुभाग ये जिंदगी दे सफर में मिल रहे है। गुरदेव पिता जी का वचन, इत दीवा मेरा एक नाम गुरु नानक जी ने गाव्या है। ए दुनिया के लोगों, तुसी ते आटे दे बना बना के दीवे इतने तारदे जे, पिन्ने बना बना के पिंड भरदे जे, पर मेरा जो दीवा है वो दुनिया के पदार्थ का बनया होया नहीं है। मेरा जो दीवा है वो परमेश्वर के नाम का है। तो दसिया रब के नाम की बरकत ते बख्शिश। क्या मनुख जिंदगी कर्म करता है, कर्म लकड़ा के न्याई ने, अज्ञानते दे कर्मां दे लकड़ा के अंबार बन जाते ने। बने हुए अज्ञानता लकड़ा के अंबारां नूं जेकर खत्म करने, दगद करने, पसम करने, उहदे वास्ते की चाहिए है? इस चंगियाड़ी दी छोटा जिहा अंश चाहिए है, अग का छोटा जिहा शोला चाहिए है। गुरदेव ने समझाया, लख मड़िया कर इकठे,
ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੱਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਬਸ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਆਓ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਵੀਂ ਟਿਕਾਊ ਸਹਿਜ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਸ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜੀਉ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।